किसान आगे बढ़ रहे हैं ऐसा आप बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहिए मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है और किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको और भी चीज़ें दिखा दूंगा जो आज हमने नोट किया है, जो आपके समक्ष रखनी थी। एक तो ये है, मैं उसको बाद में थोड़ा दूंगा। एक तो टीयर गैस होती, ज्यादा आप टीयर गैस की बोल रहे हैं, इसके बीच स्मोक सेल एयर ब्रस्ट है, मैं वो दिखाता हूं वो क्या होता है। ये रबड़ की गोली नहीं, हमारे लोग इसको रबड़ की गोली गए, ये स्मोक सेल एयर ब्रस्ट है। ये लगने के बाद फटता है और जख्म करता है, ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है, इसको पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। और उसके साथ स्मोक सेल ग्राउंड ब्रस्ट है, दो 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 ये मिलिट्री वाले सारे इस्तेमाल है। और इसके ये हम कुल मिला के कह लें हाई एक्सप्लोजिक जो अमनिशन, वो उसका यूटिलाइज किया जा रहा है। मैं और भी चीजें आपको देख, तो आप ये देख लीजिए। और इसके बाद ये इस पर लिखा है, ये पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करते, ये स्पैरी डेटा है। स्पैरी इसलिए है कि जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, फिर ये किसानों पर बल प्रयोग किया गया, तो रिकॉर्ड में ये चीजें नहीं आएंगे। ये भी एक्सपायरी है, ये जबलपुर की है। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है, अभी जो बल प्रयोग हो रहा किसानों पे वो सामने ना आ सके। दूसरी बात, ये SLR है जो चलती है, ये उसका खोल है। अब इधर पकड़े गए तो क्या बोलेंगे, भी किसानों ने गोली चलाई, हमारे आदमी जब उधर गए तो वहां से उठा के लाए, वहां ये खोल पड़े हुए हैं बैरिकेटों के पास, तो ये उधर से चल रही है। और ये भी प्राइवेट परचेज है, ठीक है, कि ये सरकार के रिकॉर्ड में से ना मिले। जब ये बात उठे, जब सरकार का रिकॉर्ड खोला जाएगा, तो रिकॉर्ड में चीजें नहीं आएंगी। तो रिकॉर्ड वाली कौन सी चीजें हैं वो भी आपको बता देते हैं। रिकॉर्ड में वो, ये तो एक और नमूना है, ठीक है जी। रिकॉर्ड में अकेले वो एक सौ छोटी सी प्लास्टिक बुलेट है जो हमने आपको दिखाई थी, उसको ही शो करेंगे। ये रिकॉर्ड में वो ये शो करेंगे सिर्फ, ये छोटी सी लोगों को भगाने के लिए इस्तेमाल के, ये रिकॉर्ड वाली है। तो पहले तो जो इससे निकल कर आ रहा कि किसानों के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स अटैक कर रही है, ना कि पुलिस अटैक कर रही है, तो कितना ज्यादा बल प्रयोग किया जा रहा है ये। इसके बावजूद आप देख लीजिए अगली बात, इसके बावजूद पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, इसके बावजूद हम वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों का मकसद क्या है कि हम बातचीत से मसलों का हल करें, जो हमारा मकसद है। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करें। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे हैं, हमारी तो मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो सरकार जो है वो आगे, आप जानते हैं नेट बंद है, सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे।